हेलो गाइस, तो ये है स्कॉर्पियो आपका न्यू जनरेशन। तो इसका गाड़ी का जो है ये जो रियर जो ड्रम है ये लॉक हो चुका है। तो कस्टमर क्या कि डायरेक्ट आपका जब वॉशिंग करवाया, करवाने के बाद जो है हैंड ब्रेक लगा के छोड़ दिया। दो तीन दिन हो गया गाड़ी स्टार्ट नहीं किया और इसी की वजह से जो है ये पीछे का जो ड्रम है ये लॉक हो गया। तो क्या है अभी आपका ये जो है ड्रम को लूज करना होगा। करने के बाद इसको ड्रम को निकालेंगे, फिर इसका ब्रेक शू वगैरह साफ करके फिर दोबारा लगाएंगे। और इसका अभी प्रॉब्लम है कि जो है आपका हैंड ब्रेक जो है वो इंगेज है। इसको आप डिसंगेज अभी फ़िलहाल हम लोगों ने नीचे उतार दिया, फिर भी ये ड्रम जो है पूरा चिपका हुआ है ब्रेक शू के साथ। तो इसको अभी लूज करेंगे, करने के बाद इसको खोलने के बाद अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके फिर दोबारा लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप तुरंत ही गाड़ी धो के वॉश करने के बाद अगर रात को अगर आप लगा देते हो तो जो है इनकी ये जो है ना ब्रेक कभी पकड़ लेता है। जो एक दो दिन अगर आप ऐसे रख दोगे तो फिर दोबारा सब गाड़ियों की यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ब्रेक ड्रम है जो है वो लॉक हो जाती है। सो बेटर है कि अगर वॉश करने के बाद अगर आप गाड़ी दो तीन दिन तक पार्क अगर करना चाहते हो तो हैंड ब्रेक ना ही लगाए तो ही बेटर है, गियर पे रख दे। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।